अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी कुलसुम। आज आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करना था कि आपको अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप यूट्यूबर तो बन जाते हैं और साथ साथ जो है आप अपने चैनल के ऊपर मोनेटाइज भी करवा लेते हैं, अपना चैनल पेड तरीके से कराते हैं या जो है जिस तरीके से चल रहा है प्रोसेस उस तरीके से कराते हैं, लेकिन चैनल बूस्ट होने की वजह से जो है ना आप यहाँ पे फंस जाते हैं कि आपका चैनल जो है ग्रो नहीं कर रहा और ये बूस्ट नहीं कर रहा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टा पे भी मेरे साथ इस बात के लिए बात करते हैं कि चैनल के ऊपर जो है हमारे कोई व्यूज नहीं आ रहे, हालांकि चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है और चैनल आगे नहीं बढ़ने का नाम ले रहा, वही 2025 के ऊपर आके उसने स्टक कर लिया है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जो चीज चेंज करनी पड़ेगी, आपको खुद एक व्यूअर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी चैनल को देख के उस चैनल के लिए आपने काम शुरू किया अपने चैनल को कि भाई आपने किसी को देखा, उससे इंस्पायर हुए, आपको उनकी वीडियोस पसंद आई और आपने सोचा कि आप भी वीडियोस बनाएं और उस वजह से जो है आप समझते थे कि आपके चैनल के ऊपर भी उसी तरह की ग्रोथ होगी जिस तरह के उस चैनल पे होती है। अमूमन क्या होता है कि हम उन चैनल्स को देख के आते हैं जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं और जिनके ऊपर अच्छा खासा टाइम गुजरा होता है, लेकिन उन्होंने जहां साल लगाए होते हैं हम यहाँ पे कहते हैं महीनों में उन चीजों को उस तरीके से कर लें जो कि मुमकिन नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, उन्हीं चैनल्स के आप व्यूअर बनेंगे और उस तरीके से ओरिजिनल तरीके से आपने काम करना है, आपने व्यूअर बनना है उनका और उनकी वीडियोस को देखने और उसके साथ उनकी वीडियोस को देखते हुए अपनी वीडियो को जो आप एडिटिंग करते हैं मिक्स एंड मैच करके आपने एक अच्छी नई क्रिएशन लानी होती है जिसकी वजह से आपका चैनल जो आगे करना शुरू होगा और आपकी वीडियो उनसे भी ज्यादा इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जाहिर है दो चीजें, जब बनके एक नई चीज क्रिएट होती है तो आपको पता है एक नए तरीके से आपका चैनल बूस्ट होने की तरफ जा रहा होता है। इस्लामिक चैनल वाले वो उस तरह की कैटेगरी की तरफ जाएं और जिनकी वीडियोस आप देखते थे और कुकिंग वाले हैं उस तरफ की कैटेगरी को जाके देखें। इसी तरीके से जो है बहुत सारे चैनल हैं, जितनी कैटेगरीज है उसी तरीके से आप लोग अगर देखते हैं तो आप यकीन करें आपके पास एक नया तरीका आ जाएगा काम को सीखने का और काम को लेकर आगे ग्रो होने का। दूसरे नंबर पे आते हैं कि आपके पास एक्टिव कम्युनिटी, आपके पास जो है ना एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं है या आपके पास जो है आपकी ऑडियंस एक्टिव नहीं है। एक्टिव ऑडियंस के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये नहीं है कि आपने वीडियो बनाई डाल दी और आपके पास जो है सब्सक्राइबर आया, उन्होंने आपकी वीडियो देखी और कुछ ने देखी और कुछ ने नहीं देखी और आपको जो है वहां पे वो कमेंट देके चले गए और आप समझ रहे हैं कि आपका चैनल जो है आगे बढ़ेगा नहीं। आपको यहाँ पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी कम्युनिटी टैब का यूज करना होता है। उससे आपका एक कनेक्शन बनता है आपके अपने ऑडियंस के साथ, आपके व्यूअर्स के साथ और उसके तरीके से आपको ग्रो करने का बड़ा मौका मिलता है, क्योंकि आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कुछ पोल करवाते हैं, कुछ इमेजेस शेयर करते हैं, कुछ वीडियोस शेयर करते हैं। आप यकीन करें अगर यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को यूज करना शुरू करें ना आपकी चीजें आगे बढ़ना शुरू होती हैं। यूट्यूब के ऊपर पहले दिन से मैं आपको कह रही हूँ अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक आपके चैनल ग्रो नहीं होते, वायरल नहीं होती वीडियोस, तो आप यहाँ पे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक्टिव ऑडियंस की तरफ जाना पड़ेगा और एक्टिव ऑडियंस की आपके चैनल को हर हाल में जरूरत होती है, एक ऑक्सीजन की तरह काम करेगा और आपका चैनल ग्रो करता चला जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट टिप है, अगर इस टिप के ऊपर आप काम करें आप यकीन करें आपका चैनल ग्रो होगा और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तीसरी चीज आती है यहाँ पे आपका टाइटल, इतना आई केची किस्म का टाइटल आप बनाएं उसके अंदर आप जो है इस तरीके से डालें कि आपकी ऑडियंस उसको क्लिक करने के ऊपर मजबूर हो जाए, उनको पता चल जाए कि आपकी वीडियो से उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसको देख के उनको कुछ फायदा होगा या वो अपने चैनल को ग्रो कर सकेंगे या वो अपने काम को इम्प्रूव कर सकेंगे। मतलब कि किसी ना कोई ना कोई मीनिंगफुल किस्म की आपने ना चीजें बनानी है, अपना टाइटल ही मीनिंगफुल आप बनाया करें ताकि आपकी वीडियो से पता चले कि आपकी वीडियो में क्या है जिसके लिए आपकी वीडियो को क्लिक किया गया है और आपकी वीडियो के ऊपर कोई आगे क्या देखेगा उसको क्या फायदा होगा। हर कोई यहाँ पे अपने फायदे के लिए काम करता है, जाहिर है किसी को कोई फायदा होगा तो किसी की वीडियो वो वॉच करे। हम सब भी यहाँ पे जब एक दूसरे की वीडियो वॉच कर रहे हैं तो एक दूसरे के फायदे के लिए हम वॉच कर रहे होते हैं। अब मैं किसी की वीडियो वॉच कर रही हूँ, उसने मेरी वीडियो वॉच की है, तो एक दूसरे का फायदा ही है। तो यूट्यूब के ऊपर ग्रो करने के लिए इस तरह की चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपके चैनल आगे ग्रो करेंगे। देखें यहाँ पे बहुत सारी चीजें, स्टार्टिंग में जब हम ये सोचते हैं ना 1000 सब्सक्राइब 4000 आवर वॉच टाइम, उसके लिए जब आप फेक तरीके यूज करते हैं, जब आपके पास जो है ऑडियंस ही नहीं आती क्योंकि आपने एक फेक तरीका यूज किया, डेड किस्म के सब्सक्राइबर अपने चैनल पे लेकर आए आप 1000 अगर सब्सक्राइबर हैं, आप देखें 1000 तो आपको जो है ना कमेंट नहीं आते, 1000 आपका व्यूअर नहीं आता, तो क्यों नहीं आता? यही बात है कि आप जो है अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। कम से कम आपके पास 200, 300, 400 तो व्यूअर आने चाहिए आपके कमेंट इस तरीके से। तो खाली खाली आपने वीडियो बना ली, आपने दे दी यूट्यूब को, यूट्यूब क्या करे आपकी वीडियो से जब आपकी वीडियो को कोई वॉच ही नहीं कर रहा, तो यूट्यूब भी आपकी वीडियो को जब आगे लेके जाएगा जब आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक थ्रू रेट आएगा, मतलब कि आपका थंबनेल बेहतरीन किस्म का होगा। इग्नोर ना करें इन चीजों को, बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश करें। आपको महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, लेकिन आप काम को कर जाते हैं। हमने भी सारी चीजें इसी तरीके से सीखी थी, इसीलिए आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी अपने चैनल को ग्रो करें और बेहतर तरीके से ग्रो करें। क्योंकि
ठीक है वो सारे काम आपने कर लिए, इस तरीके से ले लिए, उस तरीके से ले लिए, लेकिन काम तो आपको अपना करना है, अपने चैनल को खुद लेके आगे जाना है, कोई और आपका चैनल लेके आगे नहीं जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा कुछ भी मतलब कि कोई बटन ही नहीं है कि YT स्टूडियो में जिसको दबाया जाए और उसके ऊपर जो आपका चैनल जो है तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर चला जाए। रॉकेट शॉकेट यहाँ नहीं चलता, यहाँ पे सब सब आपका स्मार्ट वर्क चलता है, आपकी समझदारी चलती है, आपका ग्रो करने का तरीका चलता है, किस तरीके से किस प्रोसेस से आप अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, अपनी वीडियोज को बनाए बेहतरीन तरीके से बनाए, अपनी वीडियोस के ऊपर ऐसी चीजें लेकर आए कि दूसरों को इंटरेस्ट हो आपकी वीडियो देखने का, और आपकी वीडियो को देखे भाई मतलब वो कहें क्लिक करें कि देखें कि इसकी वीडियो में है क्या, इसकी वीडियो से हमें मेल क्या आ रहा है, फायदा क्या हो रहा है हमें इसकी वीडियो देख के। तो हर कोई अपने फायदे के लिए यहाँ पे काम करता है, उस फायदे को देखते हुए आप भी दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे तो उसी तरीके से आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो तीन चीजें याद रखनी है आपने, एक्टिव ऑडियंस लाने के लिए आपने क्या करना है, कम्युनिटी टैब यूज करना है, अपने कॉमेंट्स में अपने ऑडियंस के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग करनी है, अपने कॉमेंट्स के अंदर अपने जो भी आपका व्यूअर होता है उनको बहुत अच्छे से रिप्लाई करना होता है। दूसरी बात यह है कि आपने आई कैची किसी का टाइटल बनाना है, उससे चैनल आपका बूस्ट होगा। और तीसरी चीज, आपको खुद व्यूअर बनके दूसरों की वीडियो को वॉच करना होगा, उनसे आपको सीखना होगा और सीख सीख के आप आगे ग्रो कर सकेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाजत, मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।